स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट फॉर एनुअल एग्जामिनेशन देखिए ये जो थेरी पेपर है दिस इज फॉर सेवेंटी मार्क्स एंड यू विल गेट थ्री अवर्स टू सोल्व दिस थेरी पेपर टोटल चार मेजर सेक्शन आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाई देंगे जो सबसे पहला सेक्शन है गाइज सेक्शन ए वहाँ पर आपको एम सी क्यूज सॉल्व करने हैं यू हैव टू सेलेक्ट द राइट आंसर यहाँ पे टोटल दस एम सी क्यूज होंगे क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन नंबर टेन देर विल बी टोटल टेन एम सी क्यू टोटल दस एम सी क्यू होंगे हर एक, एक मार्क का होगा एंड दिस इज हाउ यू कैन स्कोर टेन मार्क्स ठीक है सात यहाँ पर टोटल थीरी क्वेश्चन होंगे सात थेरी क्वेश्चन और तीन न्यूमेरिकल और कंपल्सरीली आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्टी करने हैं सेक्शन ए में ही दूसरा जो क्वेश्चन है ये है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जैसे पहला वाला एम सी क्यू था यहाँ पे है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब यहाँ पे आपको वन लाइन आंसर देने हैं आंसर इन वन लाइन और यहाँ पे आठ क्वेश्चन होंगे टोटल क्वेश्चन नंबर वन टू एट यहाँ पर छः तेरी क्वेश्चन होंगे और दो न्यूमेरिकल होंगे ठीक है सो so, यहाँ पे टोटल आठ क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन एक मार्क का एंड दिस इज हाउ यू कैन स्कोर एट मार्क तो ये हो गया सेक्शन वन ना लेटस्ट कम टू सेक्शन टू देखिए सेक्शन टू है शॉर्ट आंसर टाइप वन क्वेश्चन मतलब यहाँ पे सारे क्वेश्चन दो मार्क के क्वेश्चन होंगे ठीक है यहाँ पे आपको कितने अटेम्प्ट करना है तो आठ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे क्वेश्चन नंबर थ्री टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ऐसे टोटल बारह क्वेश्चन यहाँ पे होंगे इस सेक्शन में और इस बारह में से आपको सिर्फ आठ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ठीक है ठेके? और अच्छी बात देखिए यहाँ पर यह है कि यहाँ पे सात थेरी है और पांच न्यूमेरिकल है मतलब कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है कि यार न्यूमेरिकल ठीक से नहीं आते तो आप सात के साथ थेरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और साथ में जस्ट एक न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए आप टोटल आठ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ठीक है और आठ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन दो मार्क का है एंड दिस इज हाउ यू कैन स्कोर सिक्सटीन मार्क सेक्शन बी में सात थेरी एक न्यूमेरिकल कीजिए आपको टोटल सिक्सटीन मार्क मिलेंगे ठीक है नाउ कम टू सेक्शन सी देखिए सेक्शन सी जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप टू क्वेश्चन है यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर पंद्रह से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स तक फिर से टोटल बारह क्वेश्चन है और बारह क्वेश्चन से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं सिर्फ और सिर्फ आठ इसका भी पैटर्न सेक्शन बी की तरह है सिर्फ यहाँ पे एक चेंज है कि ये सारे क्वेश्चन तीन मार्क के होते हैं यहाँ पर भी आपको आठ करने हैं न्यूमेरिकल आपको नहीं आते आप सात थ्री क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए पाँच न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कीजिए ठीक है यानी अगर आप न्यूमेरिकल में वीक है सात थेरी कर लीजिए प्लस एक न्यूमेरिकल इस तरीके से आप आठ क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बट आई वुड सजेस्ट न्यूमेरिकल अटैम्प्ट किए बगैर आपका पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा तीन घंटे में यू हैव टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स तो यहाँ पर है टोटल आठ क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन है तीन मार्क के लिए दिस इज हाउ यू कैन स्कोर ट्वेंटी फोर एट थ्रीज़ आर ट्वेंटी फोर यहाँ पर आपको चौबीस मार्क ट्वेंटी फोर मार्क्स टोटल मिलेंगे नाउ कम टू द लास्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन डी यहाँ पर आपको तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं टोटल पाँच क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन से क्वेश्चन नंबर थर्टी वन तक पाँच क्वेश्चन मिलेंगे आपको सॉल्व करने हैं जस्ट थ्री यह है लॉन्ग आंसर टाइप वन सॉरी नॉट लॉन्ग आंसर टाइप वन ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ठीक है अब यहाँ पे सेक्शंस भी होते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि टोटल क्वेश्चन चार मार्क का हो जाएगा दो दो मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है मतलब एक चार मार्क का क्वेश्चन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं टू प्लस टू में टू थेरी टू न्यूमेरिकल में या फिर थ्री प्लस वन में भी यानी चार मार्क का क्वेश्चन है तो तीन मार्क की थेरी एक मार्क का न्यूमेरिकल इस तरीके से भी इसका डिवीजन हो सकता है ठीक है तो यहाँ पे पांच में से टोटल आपको चार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो वेटेज है सॉरी थ्री तीन करने हैं टोटल क्वेश्चन आपको तीन सॉल्व करने हैं हर एक का वेटेज है चार एंड दिस इज हाउ यू कैन स्कोर ट्वेल्व मार्क्स सो इन सब को ऐड कीजिए टेन प्लस एट प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी फोर एंड ट्वेल्व दिस इज हाउ यू कैन स्कोर सेवेंटी मार्क्स आई होप स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कितने थेरी कितने न्यूमेरिकल आने वाले हैं ये कन्फ्यूजन भी आपका हर्ट गया ठीक है ध्यान से देखिए इस पी को लेकिन क्वेश्चन का टाइप किस यानी क्वेश्चन की टाइप क्या होगी कितने एवरेज होंगे कितने डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे वो भी एक एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया है ठीक है सो so, यहाँ पे तो जस्ट ये लिखा है कि नॉलेज बेस क्वेश्चन कितने हैं अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन और स्किल बेस तो ट्वेंटी नाइन मार्क्स के नॉलेज बेस क्वेश्चन होंगे फोटी वन मार्क्स के अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे और एप्लीकेशन स्किल ट्वेंटी एट मार्क्स के होंगे ठीक है इस तरीके से टोटल नाइन्टी एट मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे यानी कंपल्सरी मार्क तो सेवेंटी है ध्यान से देखिए ये कंपल्सरी है सेवेंटी मार्क्स कंपल्सरी है लेकिन ऑप्शन के साथ विथ ऑप्शन विथ ऑप्शन टोटल पेपर कितने मार्क्स का होता है नाइन्टी एट मार्क्स का होता है ठीक है जल्दी से देखते हैं कि ये डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगी क्वेश्चन की तो ईजी लेवल के जो क्वेश्चन हैं ईजी लेवल के क्वेश्चन वो ट्वेंटी नाइन मार्क्स के होते हैं ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट एवरेज मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं ज़्यादा ईजी भी नहीं ये फोर्टी नाइन मार्क्स के होते हैं ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन एवरेज लेवल के होंगे और डिफ़िकल्टी जो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे वो ट्वेंटी मार्क्स के होंगे अराउंड ट्वेंटी परसेंट दिस इज़ हाउ 98 मार्क्स क्वेश्चन पेपर हैज़ बीन डिज़ाइन एंड दिस स्ट्रक्चर हैज़ बीन गिवन बाय महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और फिर से यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर जो मैंने आपको ऊपर समझाया वो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी मेंशन है विद ऑप्शन ये मार्क्स है ये विद ऑप्शन मार्क्स है इस तरीके से 98 एट आप स्कोर कर सकते हैं आई होप ये स्ट्रक्चर आपने प्रॉपरली समझा है ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको ट्वेल्थ बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है सेम स्ट्रक्चर तो अभी थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लो सो so दैट आपको ट्वेल्थ के लिए भी आसानी हो